रमजान ईद की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में मोतीनगर के लोग पानी की बूंद बूंद को तरसते नजर आए। यहां पालिका की ओर से भेजे गए टैंकर का पानी मटमैला निकलने से गुस्साए लोगों ने पालिका प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। पेश है दिग्रस से संवाददाता जुबैर खान की ये रिपोर्ट। दिग्रस शहर इन दिनों पेयजल संकट से जूझ रहा है। स्थानीय पालिका प्रशासन के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट की अधूरी और बेतरतीब पेयजल आपूर्ति से लोग परेशान हैं। शुक्रवार को मोतीनगर की कादरिया मस्जिद परिसर में लोगों का हुजूम उमड़ आया। उनके मुताबिक बीते 10 दिनों से उन्हें पेयजल उपलब्ध नहीं हुआ है। बार बार शिकायतें करने के बाद भी पालिका प्रशासन ने उनकी कोई सुध नहीं ली। 10 दिन जो तो नल नहीं अभी तक पानी नहीं हमको, बिना पानी नहीं हमको। हम लोग ज्यादा परेशानी में, हम लोगों को पानी की समस्या है क्योंकि हम तो खरीद के पानी नहीं ले सकते क्योंकि सिर्फ 1 घंटे के वास्ते नल भी आते हैं तो 10-15 दिन के बाद आते। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है, पानी की व्यवस्था करके दे दे। आज जुमे का दिन है, पानी नहीं है साहब। 10-12 दिन हो गए, कल ईद का भी दिन है, पानी की प्रॉब्लम नहीं हमारे घर को, पानी नहीं पीने को, पानी होना हमको जरूरी है। आगामी शनिवार को रमजान ईद मनाई जाएगी, जिसके मद्देनजर शुक्रवार को यहां के लोगों ने पेयजल के लिए पालिका से बार बार शिकायतें लगाई, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से उनके लिए एक टैंकर भेजा गया। लेकिन जब टैंकर का पानी वितरण किया गया तब मटमैला पानी देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिस वजह से गुस्साए लोगों ने पालिका प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। ये रमजान शरीफ का महीना है, नगर पालिका ने पानी जो ऐसा भेजी एकदम गंदा, तब इससे नहाएंगे क्या करेंगे, पानी पीएंगे पानी फेंकेंगे। आप बोलो भाई, तुम ही बोलो नगर पालिका वालों को, हमने तो बोल बोले कटाएंगे, आप तुम बोलो क्या तो देगा। अरे नाली का पानी तो भी अच्छा है, नाली का पानी तो भी अच्छा है, इतना खराब पानी भेजेंगे क्या? तो नगर पालिका है बोलते, ये व्यवस्था कर रही है, बोले हमारी खराब पानी भेज रही है। गौरतलब है कि शहर में अरुणावती बांध से पेयजल आपूर्ति की जाती है, फिलहाल बांध में पर्याप्त पानी उपलब्ध है। बावजूद इसके पालिका प्रशासन कभी पानी की मोटर की तकनीकी समस्या, कभी पानी का कम प्रेशर, तो कभी बिजली के वोल्टेज जैसे अनेक कारण सामने रख हाथ खड़े करने की अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रहा। पालिका के पास पर्याप्त संसाधन होते हुए भी रमजान महीने में रमजान ईद के मद्देनजर शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों की जनता पानी के लिए तरस रही है, जिससे न सिर्फ वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही उजागर हो रही है, बल्कि संबंधित इलाकों के पूर्व जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और उनकी निष्क्रियता भी साफ नजर आ रही है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।